नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हुंडई का वरना है फ्लूडिक 1.6 SX पेट्रोल। तो इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो इसके अंदर जो गियर है वो थर्ड में स्टक हो गया, मतलब थर्ड में ही रुक गया है। और जैसे भी अपन गियर शिफ्टिंग करते हैं तो रिवर्स में वो झटका मारता है, मतलब शिफ्ट शॉक हो रहा है ऐसा झटका लगता है। और डी में भी हल्का झटका है लेकिन रिवर्स में ज़्यादा झटका मार रही है, मतलब शिफ्ट शॉक हो रहा है। तो मैं आपको, और उसके अंदर स्कैनर के अंदर एक फॉल्ट कोड आ रहा है, उसको क्लियर करेंगे तो क्लियर होता है, लेकिन जैसे भी वापस अपन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गियर शिफ्ट करेंगे तो फिर वो शिफ्ट शॉक हो जाएगा रिवर्स गियर में। तो गाड़ी को एक बार मैं गाड़ी को चालू करके दिखाता हूँ। हुंडई वरना है स्मार्ट की, तो यहाँ पे इसको एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे है ऑटोमेटिक है, यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक है। और इसके अंदर जैसे भी अपन गियर डालते हैं, अभी मैं गियर इसका भी पी में है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे पी लिख के आया है। अभी इसको मैं रिवर्स में डालूंगा तो ये गाड़ी पूरा झटका मारेगा, आपको मैं रिवर्स में दिखाता हूँ। ये पूरा देखो हिल रहा है, वापस एक बार दिखाता हूँ ये पार्किंग में। और इसको जैसे भी मैं रिवर्स में करूँगा तो गाड़ी पूरा हिलेगा, मतलब शिफ्ट शॉक हो रहा है, ये देखो हिल रहा है। मैं आपको उसके साथ में आप न्यूट्रल में भी देखेंगे तो न्यूट्रल में नहीं है, डी में थोड़ा हल्का है, मामूली थोड़ा माइनर है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसको जैसे अपन मैनुअल में डाल देंगे इसमें, तो यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है। और इसको अपन इसमें करेंगे तो डी पे है। और यहाँ पे जैसे भी अपन यहाँ पे डालेंगे, प्लस माइनस कर सकते हैं अपन गियर को, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो थर्ड पे स्टक हो गए। इसको यहाँ पे एक आना चाहिए, वन आना चाहिए, लेकिन ये थर्ड पे बता रहा है, ये प्रॉब्लम है कैन में। और बाद में जाएंगे वरना में, यहाँ पे उसका आ गया 1.6। ओके, सिस्टम सिलेक्शन में जाते हैं और डायरेक्ट ट्रांसमिशन ट्रांसएक्सल, तो जाते हैं रेड ट्रबल कोड करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहा है P0748 प्रेशर कंट्रोल सोलेनाइड वॉल VFS ए इलेक्ट्रिकल, और ये एक्टिव में फॉल्ट कोड बता रहे हैं। और इसको मैं, इस फॉल्ट को मैं क्लियर करूँगा तो ये क्लियर भी हो जाएगा, लेकिन जैसा भी मैं गियर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे शिफ्ट शॉक हो जाएगा और थर्ड गियर में स्टक हो जाएगा और ये फॉल्ट कोड वापस जनरेट हो जाएगा। और साथ में आपको मैं लाइव डाटा में भी दिखा दूंगा, तो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड, गाड़ी अपनी ऑफ करके ऑन करता हूँ। ऑन किया, ऑन करने के बाद गाड़ी चालू में नहीं कर सकते अपन, तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड, तो यहाँ पे सक्सेस बताया। री ट्रबल कोड, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड। तो गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि स्टार्ट में कभी फॉल्ट कोड कभी क्लियर नहीं होता है। तो गाड़ी को स्टार्ट किया मैं, अभी भी देखेंगे ना तो यहाँ पे वैसा ही फॉल्ट कोड जनरेट हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करंट जो गियर है ये पार्किंग बता रहे, पार्किंग या न्यूट्रल, तो अपना पार्किंग में ही है। लेकिन जैसा भी मैं उसको डी में डालूँगा, और यहाँ पे नेक्स्ट गियर पोजीशन थर्ड बता रहे, गाड़ी स्टार्ट है अपनी, और आपको दिखा रहा हूँ मैं इसको, मैं थर्ड में रिवर्स में झटका मार दिया, अभी डी में डालता हूँ उसको, मैं साथ में इधर ही रखता हूँ मैं इसको, मैं डी में डालता हूँ इसको, डी में डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड बता रहे, करंट गियर इधर फर्स्ट बताना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे थर्ड बता रहे हैं करंट गियर, और यहाँ पे डी पे रिंग का कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस है बराबर है। तो थोड़ा सा जो डाउट है वो मेरे को ECM के ऊपर जा रहा है, तो ECM चेक करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, और इसका ये ECM का लोकेशन है। तो एक बार इसको एक बार खोलता हूँ और इसको एक बार खोल के चेक करते हैं। इसको फाइनली खोल दिया मैंने, और इसको इसके अंदर फॉल्ट भी पकड़ा है मैंने। मैं आपको फॉल्ट भी दिखा देता हूँ, जो गियर शिफ्टिंग जो स्टक हो रहा था गियर, और रिवर्स में जो हार्ड जा रहा था, साथ में डी में भी जर्क मार रहा था। तो दिखा आपको दिखाता हूँ। ये अपना इसके अंदर है ना, ये जो प्रॉब्लम जो पकड़ा है मैंने, उसका जो है ना कैपेसिटर का प्रॉब्लम था, कैपेसिटर उसके लीकेज थे, इसकी वजह से जो एसिड है ना पूरा ट्रैक को गला दिया था। तो उसमें दो फॉल्ट मिले अपने को, उसका कैपेसिटर भी अपन ने चेंज कर दिया, और उसके अंदर जो ट्रैक भी जो उसके अंदर कट गए थे उसको भी अपन ने रिपेयर कर दिया। आपको दिखाता हूँ, ये इसके कैपेसिटर रहते ऐसे। तो अभी देखते हैं, इसको मैं टेम्पररी अपन चेक करते हैं, इसको फिटिंग करते हैं ऊपर के ऊपर, और चेक करते हैं कि जो अपना प्रॉब्लम है वो क्लियर हो रहा है क्या। ECM को फिटिंग करते हैं, यहाँ पे अपन लगाते हैं ECM। तो इसे हमको अपन ने लगा दिया है टेम्पररी, और एक बार गियर भी देखते हैं। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी, गाड़ी स्टार्ट है, पी पे है, पार्किंग पे बता रहे हैं। और यहाँ पे अपन गियर शिफ्ट करेंगे ब्रेक दबा के, ब्रेक दबाता हूँ मैं, और डालेंगे रिवर्स। रिवर्स डाल दिया, कुछ भी झटका नहीं है आपको डालता है, अभी न्यूट्रल, न्यूट्रल में भी नहीं है, और डी में भी था हल्का झटका, लेकिन इसमें भी अभी झटका नहीं मार रहा है। आपको मैं वापस एक बार रिपीट दिखाता हूँ, यहाँ पर न्यूट्रल कर दिया मैंने, यहाँ पर रिवर्स, रिवर्स में भी कुछ झटका नहीं मार रहा है अभी, शिप शॉक। अभी वापस एक बार दिखाता हूँ रिवर्स, देखो वापस यहाँ से अपन ने दबाया, रिवर्स इजीली गिर रहा है, न्यूट्रल डी, और यहाँ पे थर्ड में स्टक होता था। आपको मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे डाल दिया अपन ने स्पोर्ट्स मोड में, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट आ गया। और जैसे अभी मैं इसको प्लस करूँगा, तो यहाँ पे प्लस किया मैंने, तो यहाँ पे सेकंड आ गया। इसको मैं माइनस करूँगा स्पोर्ट्स मोड को, माइनस, यहाँ पे फर्स्ट आ गया। तो यहाँ पे थर्ड में स्टक हुआ था, तो वो भी क्लियर हो गया। और अभी गाड़ी चला के भी देखते हैं ड्राइव करके दादा। तो अभी देखेंगे, अभी मैं गियर एक बार वापस शिफ्ट करता हूँ, ये रिवर्स डाल दिया, न्यूट्रल डी, स्पोर्ट्स मोड। अभी इसको मैं गियर एक बार अपन रीड करेंगे, 80 है गाड़ी है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाते हैं, रेड ट्रबल कोड करेंगे, तो यहाँ पे नो ट्रबल कोड, मतलब फॉल्ट कोड भी अपना क्लियर हो गया। ये जैसे भी अपन गियर शिफ्ट करते थे, या फिर जैसे भी अपन गाड़ी भी स्टार्ट करते थे ना, तो अभी ये फॉल्ट कोड ये जनरेट हो जाता था, लेकिन अभी नो फॉल्ट कोड, मतलब ये ECM का प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम क्लियर हो गया। और आपको गाड़ी रनिंग भी करके दिखाता हूँ मैं, और अपन लाइव डाटा भी चेक करेंगे रनिंग में। गाड़ी अपन ड्राइव कर रहे हैं, और अभी लाइव डाटा भी चेक करेंगे अपन,
लाइव डाटा दिखा, एक स्टॉप किया, हाँ रुका दे, और अभी मैं इसको पार्किंग में डाला है, तो अभी उसको मैं रिवर्स में डाला, उसके बाद न्यूट्रल किया और बाद में डी में डाला। तो डी में डालने के बाद अपन देखेंगे, तो यहाँ पे करंट गियर है ना, एक बता रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, और साथ में देखेंगे जैसा अभी मैं इसको गाड़ी को मैं चलाऊंगा, हल्का मैं चला रहा हूँ, गाड़ी अपनी चालू है, और यहाँ पे देखेंगे ना तो गियर है ना शिफ्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, जो नेक्स्ट गियर, फिर उसको और थोड़ा फास्ट करूँगा तो इसका जो गियर प्रॉपर वर्क हो रहा है, मतलब यहाँ पे उस पर पहला थर्ड में ये होल्ड हो जाता था।